श्राद्ध है दादी जी का गांव में, तो वहीं जाएंगे विद फैमिली, मतलब उन्होंने सबको बोल रखा है। तो असूज के महीने में तो कितना हम सुकून। आपके लिए एक अच्छा सा तोहफा लाए हैं सबके लिए। क्या काम करना है मैंने देना मोल का गुरु तो गाजी सकल पे, मतलब सकल पे पूरा 12 बजे थे, अभी 11 बज गए हैं। थोड़ा सा नहा के अच्छा लग रहा है। दादी हलवा खा रही है, कन बनियो दादी के बनता क्या बनता हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम, कैसे आप सभी। आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो बहुत टाइम बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ, क्योंकि आजकल असूज का महीना, अब से आपको डेली ब्लॉग मिलेंगे, रोज ब्लॉग मिलेंगे। तो अभी देखिए मम्मी काट रही है घास, मैं यहाँ पे अभी बैठी हूँ क्योंकि मैं पानी पी रही थी। तो हम आपके लिए एक अच्छा सा तोहफा लाए हैं सबके लिए। ये देखिए, ये है कद्दू जो कि चूहे ने थोड़ा सा खा दिया है, तो आज बनाएंगे हम इसको। और अभी मम्मी घास काट रही है, मैं भी काट रही थी, पर अभी हम ये देखिए, आजकल असूज का महीना, घास ही घास। और नीचे हमारी भाभी भी काट रही है घास, अभी आपको दिखाते हैं हम कैमरा पैक करके, ठीक है चलते हैं, फिर आपको मिलते हैं। तो आज है, आज मेरी दादी का श्राद्ध है, पर हमने देना है नहीं, तो दादी का आशीर्वाद बना रहे सब पे, है ना। कुछ बोलना चाहते हो दादी? हमने वहां से और यहां तक घास काट लिया है, लास्ट थोड़ा रह गया है, और मैं सुखा रही थी अभी घास यहाँ पे। फिर देखते हैं आगे आगे क्या, कहाँ जाना है। 11 बजी, हाँ। तो दोस्तों चलते हैं घर, और हमारे मेरे सर पे है घास, और मम्मी के सर पे है, ये देखिए मम्मी के सर पे भी लग गए हैं। अब हम जाते हैं घर, आगे आगे देखते हैं फिर खेत जाएगा। मैं तो नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरे को नहाना धोना करना है आज, यहाँ हो रखा है बहुत ही खतरनाक। तो देखिए कद्दू कितना बड़ा कद्दू है, ये योची भट जो दाना कम पत्ता ज्यादा छी। पापा जी माता जी खैर है, माता जी कैसे जा रहे हैं आपका असूज का महीना? बहुत अच्छा जा रहा है। क्या कर रहे हो? घास कटना था वा, और ये पलकुन लगाना था वा। कदा पलकुन लगी? लगे ली छह पलकुन, अब एक दो पलकुन हो गए, आंधी रही नहीं, अब तो एक ही सारी का लगाए थे ना, अभी तो अभी एक ही सारी का लगे थे पलकुन रो, दूसरे सारी का आप कटना था, अभी तो एक पलकुन कटे दूसरे सारी। अच्छा लो, क्या क्या काम करने हैं मैंने दिन मोल का गुरु तो गाज दी आज तो नहीं दूर कह दी तब तेल पलकुन लगाना अब नान दूना बाद नहीं आन में पलकुन लगाना गण वैसे पहला आन में तो अभी तो आन दान टाइम लगा आ तो ठीक छे मी तवी ना हां आ तो काट तब आ जे उंदे हां ठीक छे से कार का जरा दे दे जरा दे दे हो। तो दोस्तों अभी मैं छन्नी में बैठी हूं, और मैंने ये जो खुचीले को बोलते हैं ना इसे निकाला भी नहीं, और अभी दोबारा से जाऊंगी मैं, क्योंकि अभी मैंने गोबर निकालना है, उसके बाद मैंने गाय को घास देना है, पिंड दे रखा है तो घास देना है, फिर उसके बाद मैंने खेत जाना है, तब आऊंगी मैं, तब नहाऊंगी। आजकल तो मतलब खाने का और नहाने का कोई टाइम ही नहीं है, मतलब ऐसा हो रखा है असूज के महीने में। तो आज तो सही है, आज हमने खाना बनाना है नहीं, वैसे तो पापा बना देते हैं, तो आज हमने खाना बनाना है नहीं, क्योंकि आजकल आप लोगों को पता है कि आजकल जो श्राद्ध चल रहे हैं,
तो श्राद्ध है दादी जी का गांव में, तो वहीं जाएंगे विद फैमिली, मतलब उन्होंने सबको बोल रखा है। तो असूज के महीने में कितना सुकून मिलता है ना कि हाँ भाई खाने के लिए जाना है, बस बनाने का कोई टेंशन नहीं है। तो आज हम वहाँ जाएंगे, फिर आप लोगों को आगे आगे मिलते हैं। चलिए फिर पहले मैं गोबर निकालती हूँ, ये हमारी छन्नी और ये हमारा घर है पीछे, ये पुराना वाला है, नया है ही नहीं। गौ माता कैसे हो? तो हमारी दो बछिया और दो गाय। हेलो कैसे हो? ये कितनी गोरी है ना, वो कितनी काली है, ये लाली है, खालिया पिंडू। तो इन्होंने खा खो गए ना, यहाँ पे डिब्बे भी गिरा दिए। ये देखो बहुत तेज हो रहे हो बेटा, बहुत तेज। गोबर, ये है हाथ और ये मारा हाथ गोबर पे। ए का फाइनल ही सब काम हो गया है छन्नी का, गोबर उबर निकाल दिया है, पिंडू पानी खा लिया है, घास दे दिया है। और अब चलती हूँ मैं घर की ओर। ये हमारी बोड़ी जी अब जा रहे हैं खेत, 12 बजे हैं स्कूल की टीचर जी, अब छुट्टी हुई है। तो मैं अब दोबारा से आ गई हूँ खेत, क्योंकि हमने यहाँ पे खुम लगानी है और यहाँ पे बैठ रखी हूँ क्योंकि मम्मी आ रही है नीचे से घास लेके। तो ये हमारी भाभी जी और ताई जी भी आ गए हैं खेत से, जो बोल रहे हैं कि बिल्कुल शकल मत दिखाओ, ऐसे दिख भी नहीं रही है, लग लो के नीचे हाँ आ गया। और ये मेरी ताई जी भी आ गई है, आ गया बुढ़ी। अरे यहाँ घुमाइए चू, थकान लग गई। तो दोस्तों अब हम लगा रहे हैं यहाँ पे खूम, ये है घास और ये है आपके लिए फूल। ये फाल मारे तो दोस्तों फाइनली हमारी खूम लग गई है, हमारी पलकुंडी, हमारी खुम। मकान लग पलकुंड समझ नहीं आ गया, मम्मी बनी बल पलकुंड, जरा मैं तो समझ नहीं आया बल, ठीक से नहीं लगी। ये हमारी चाची जी आ गए हैं, चलते अब हम घर। तो दोस्तों नहा धो के रेडी, थोड़ा सा 12 बजे थे सकल पे, मतलब सकल पे पूरा 12 बजे थे, अभी 11 बज गए हैं। थोड़ा सा नहा के अच्छा लग रहा है, आजकल असूज के महीने में बिल्कुल काले ही हो गए। तो अब हम जा रहे हैं खाना खाने, श्राद्ध है तो चलिए चलते हैं हम। और ये है मेरा पितरू। दोस्तों हम आ गए हैं मल्ला खोला जहाँ श्राद्ध है, तो अब हम चलते हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। गए हैं खाने वाले हमारे जलविया। तो दोस्तों अभी सारे लोग खा रहे हैं यहाँ पे, तो सीट फुल है, ये देखिए यहाँ पे भीड़, आधे से ज़्यादा लोग खा के जा चुके हैं और आधे अभी खा रहे हैं, आधे अभी आ रहे हैं क्योंकि आजकल काम का टाइम है। दोस्तों मिल गए हमें खाना, आप खाते हैं हम और सभी लोग खा रहे हैं यहाँ पे, हमारी बोड़ी जी भी सब। दादी हलवा खा रही है, कन बनियो दादी, क्या बन तब मस्त बनियो ना, केक बनियो, चावल हाँ, गुड़ हाँ, उसमें डाल दा वो कच्चा घी वो कच्चा, अच्छा मस्त बनी ऊपर है। ये हमारे भाई जी दिखेना भी नहीं चाहो तुम करें गए हैं, खाना बहुत ही टेस्टी बना था। और जो ये हलवा है ये तो सबसे बेस्ट बना है, अभी मैंने वहाँ खाया नहीं, मैंने अभी थोड़ा सा वहाँ पे टेस्ट किया था, उसके बाद मैं अपने साथ ले आई। तो ये बना है चावल गुड़ से और इसमें ड्राई फ्रूट्स है और इतना टेस्टी बन रखा है ना, आप देख मतलब देखिए आप देख कोई मतलब देख के ही लग रहा है कि कितना टेस्टी है भाई, बहुत टेस्टी है मीठा। तो दोस्तों ये देखिए फिर से हम खेत आ गए हैं, ये मेरी माता श्री वहाँ पे खूम लग रही है। हाँ बोला, इतने टेढ़े पेड़ में लगा रहे, देखिए आजकल काम ही काम
गांव में। तो चलिए हम भी काटते हैं, नहीं तो हम अपनी माता श्री की गाली खाएंगे कि काम नहीं कर रही है, बस वीडियो बना रही है। अभी हमने ये वाला और ये पूरा नीचे का काटना है घास। तो चलिए फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, ओके। तो 6 बजने वाली है और हमने यहाँ पे घास काट ही लिया है फाइनल ही, और थोड़ा सा रह गया है, उसके बाद हम जाएंगे घर। पहुंच गए हैं अब घर, अंधेरा भी हो गया है। आजकल असूज के महीने में टाइम का टाइम नहीं चल रहा है। हमारी अभी गाय बच्ची भारी है, अभी उनको अंदर बांधेंगे। मैं तो दिख ही नहीं रही हूँ, इधर थोड़ा उजाला नजर पटक के काल मत लगाने। बट मैं इस टाइम पे अच्छी लग रही हूँ, गोरी गोरी सी, इतना मुँह काला नहीं लग रहा। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो ब्लॉग को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। और पीछे की सौर ऊर्जा की लाइट भी जल चुकी है, तो हम भी चलते हैं, खाने की व्यवस्था करते हैं, फिर सोते हैं। और क्या।